नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, ईडी ने नहीं किया विरोध, बीजेपी बोली जमानत मिलना क्लीन चिट नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी में शामिल नहीं होने पर जेल भिजवाने की दी धमकी, बीजेपी का पलटवार, कहा ना माने पर बौखलाई आतिशी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, लेकिन कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा कार्रवाई के लिए रहे तैयार, केंद्र और उत्तराखंड सरकार की भी खिंचाई, अब 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार, उत्तराखंड में पीएम मोदी ने संभाली कमान तो कर्नाटक में अमित शाह का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस की नीयत पर प्रहार। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार, निफ्टी निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग, मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी, आईटी फार्मा शेयरों पर दबाव। विस्तारा की आज 52 फ्लाइट्स रद्द, यात्री परेशान, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट, यात्रियों को रिफंड और एडवांस में जानकारी देने को कहा, सिविल एविएशन मंत्रालय भी नाराज। और भारत में तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं 5G ग्राहक, 10 करोड़ 5G ग्राहकों के साथ रिलायंस जियो सबसे आगे, तो भारतीय एयरटेल 7.5 करोड़ ग्राहकों के साथ दूसरे नंबर पर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। वो पिछले 6 महीने से जेल में थे। संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वो 3 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका फिलहाल नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह अब राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। अब ये जग जाहिर हो गया कि भाजपा ने शुद्ध राजनीतिक कारणों से ईडी का दुरुपयोग किया और इस प्रकार से उन्होंने संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, सतेंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सबको जेल में झूठे आधार पे, फेक केस पे, कोई एविडेंस नहीं था, इस प्रकार जेल में रखा हुआ था। आज सच सच जीता है, भाजपा हारी है। संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि संजय सिंह को जमानत मिलने का मतलब क्लीन चिट नहीं है। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया, ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आवाज कम करो। संजय सिंह को बेल मिलने पर उनका परिवार काफी खुश है। उनकी मां राधिका सिंह ने कहा है कि उनका बेटा शुरू से ही निर्दोष था और बाकी लोग भी ईमानदार है, इस तरह से गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो रही है, हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश है।
हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों नेताओं ने दावा किया कि केजरीवाल के बाद अभी चार और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, जिसमें आतिशी और सौरभ के साथ साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा के नाम शामिल है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने एक करीबी के जरिए उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और ऐसा नहीं करने पर जेल जाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी को अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद आतिशी ईडी के रडार पर आ गई है। ईडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का शक है। आरोप है कि शराब घोटाला केस में 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे गए। आतिशी गोवा चुनाव में आपकी इंचार्ज थी और इंचार्ज ही सारे खर्च का हिसाब रखता है। इधर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आतिशी पर लगे आरोपों पर पलटवार किया है और साथ ही दावा भी किया है कि ईडी और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं, आतिशी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है। इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, इसलिए हमारे चार नेता अंदर हैं, चार नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं, हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जब अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया कि इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। इसमें बीजेपी क्या है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी के तो नहीं है, उन्होंने आपका नाम लिया है आतिशी जी। और नाम लेने के पीछे जो मैं समझता हूं, अरविंद चाहते हैं उनकी पत्नी सीएम बने, आप चाहती हैं आप सीएम बने, सौरभ भारद्वाज चाहते हैं सौरभ बने। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब हम जा रहे हैं तो तुम लोग भी अंदर आओ, जो बाहर रहेगा वो चलाएगा, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी जेल से दिल्ली सरकार को चलाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और इसलिए आज आप विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है और केजरीवाल किसी भी कीमत पर सीएम पद से इस्तीफा ना दें, वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं।
तो आम आदमी पार्टी के बीच जो सियासी हलचल मची हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद। तो जावेद, ये बताएं कि जेल से किस तरह से दिल्ली की सरकार चलाने के लिए आम आदमी पार्टी फॉर्मूला तैयार कर रही है। देखिए, आज बड़ा सियासी घटनाक्रम ये हुआ जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, उनसे तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात काफ़ी देर चली और उसके बाद जो लब्बोलुआ मुलाकात का निकला वो ये निकला, सभी विधायकों ने एक सुर में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ही उन्हीं के मुख्यमंत्री रहेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं और जेल से वो सरकार चलाएंगे, ये कहा है सुनीता केजरीवाल से। और ये भी कहा है कि इस संदेश को आप अरविंद केजरीवाल तक पहुँचा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जो लोग मुलाकात करेंगे उसमें सुनीता केजरीवाल भी हैं। देखिए, यह मुलाकात ऐसे टाइम में अहम है क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक आरोप लगाया था कि उनके करीबी जानकार के जरिए बीजेपी ने एक ऑफर दिया है उनको ज्वाइन करने के लिए, कि अगर आप अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। उसका खुलासा आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है कि जेल से सरकार चलेगी, लेकिन कई ऐसी पेचीदगियां हैं और कई ऐसे सवाल है कि आखिर जेल से सरकार कैसे चलेगी। हालांकि कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर कोई शख्स जेल में चला जाता है और वो किसी मुख्यमंत्री पद पर है तो वो इस्तीफा दे। ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है। इससे पहले हमने हेमंत सोरेन के मामले में देखा कि जब उनको अरेस्ट किया गया उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई। तो आम आदमी पार्टी की दलील ये है कि दो ही सूरत में इस्तीफा हो सकता है, या तो अरविंद केजरीवाल के पास नंबर नहीं है, मतलब उनके पास बहुमत नहीं है, उन्होंने बहुमत खो दिया है। दूसरी कंडीशन जो है वो कानून के हिसाब से ये है कि अगर उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है तो वो किसी पद पर नहीं बने रह सकते। लिहाजा कानून में तो ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि अगर उनको जेल हुई है तो वो इस्तीफा दे दें। ये आम आदमी पार्टी की दलील है। लेकिन अगर बात करें जेल मैनुअल की, तो आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहाँ से सरकार चलाएंगे, सवाल बने हुए हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मीटिंग्स करनी होती हैं। कोई भी फाइल अगर उपराज्यपाल के पास जाती है तो वो अरविंद केजरीवाल के थ्रू ही जाएगी। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि अगर सरकार वो चलाएंगे तो ये जो सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं सरकार चलाने के, ये कैसे पूरे होंगे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर अभी का स्टैंड ये है कि जेल से ही सरकार चलेगी और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। जी, शुक्रिया जावेद इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके पास लौटेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार और दिल्ली में कब खत्म होगा सस्पेंस, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। चलिए, बुलेटिन में अब वक्त है चुनावी महासंग्राम की खबरों का। बीजेपी समेत सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास और राज्य को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने मोदी की गारंटी को गिनाया और उन्हें पूरा करने की बात भी यहां पर की। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और ज्यादा प्रहार होगा। साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगलुरु में जेडीएस और बीजेपी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार का कुनबा बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को जब भी सत्ता मिलती है उसका मन भ्रष्टाचार में लगता है, जनता की सेवा में नहीं। कांग्रेस सरकार में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इसके अलावा अमित शाह ने एक एक करके कांग्रेस के कई बड़े घोटालों के नाम यहां गिनवाए। इंडी अलायंस ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घटला घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डी के शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले अजय निषाद ने बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अजय मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी को टिकट मिलने से नाराज चल रहे थे। अजय निषाद ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वे पार्टी के धोखे से सदमे में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को मेंशन करते हुए कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। चलिए अब आपको खबर बताते हैं बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के हलफनामे में गलत तथ्यों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। तो इस खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आज बताएं कोर्ट में क्या कुछ रहा इस मामले को लेकर और ये पूरा मामला किधर जा रहा है? पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था और उनको आज कोर्ट के सामने उपस्थित रहने को कहा था। आज कोर्ट में उससे इस मामले की सुनवाई हुई। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपने हमारे कहने के बावजूद आपने हलफनामा दाखिल नहीं किया, आप जो माफी मांग रहे हैं वो सिर्फ एक लिप सर्विस है, आप उन कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट ने उनके एफिडेविट को लेकर भी काफी एतराज जताया। कोर्ट ने कहा कि आपने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें कई दस्तावेज आपने बाद में लगाए हैं, आपके ऊपर प्रीजरी का मामला बनता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार से ही पूछा कि ये विज्ञापन लगातार 2 साल से आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी इसके अंदर आरोपी बनाया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि आपने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। सभी को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। तो इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट के सामने उपस्थित रहना होगा। शुक्रिया सीम इस पूरी खबर के लिए। अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार रहा और इसी के साथ सेंसेक्स 111 अंक गिरकर 73,904 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 9 अंक गिरकर 22,453 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में सुस्ती रही? देखिए, निफ्टी गेनर्स से शुरू करते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ मोमेंटम में आपको आते हुए नजर पड़े। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर, M&M, BPCL, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी नजर पड़ी। 2-3% का मूव यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, तो ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स में लगभग 1-1.5% तक का नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में बिकवाली भारी रही। जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, बहुत सारे गेनर्स यहां आपको दिखेंगे। टानला सॉल्यूशंस, वेरॉक इंजीनियरिंग, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स में 10% तक के इंट्राडे मूव्स आपको आते हुए नजर पड़े और NCC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी आपको 7-8% का मूव दिखा। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली आनंद राठी वेल्थ, कैपलिन पॉइंट, PNB हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का माहौल रहा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बाजार में उठापटक के बीच सिट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा का कहना है कि निवेशक पावर, रेलवे और डिफेंस शेयर्स पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैपिटल गुड सेक्टर भी बेहतर मुनाफा दे सकता है। सरकार की इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति और खास करके 2-3 सब सेक्टर्स पावर, रेलवे और डिफेंस, इनके प्रति ज्यादा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 सेक्टर थीमेटिक तौर पे बिल्कुल प्ले करने लायक रहेंगी। किसी भी फंड मैनेजर के लिए सबसे बड़ा डिलेमा जो है वो है वैल्यूएशन जिन पर कि ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम सामने की अपॉर्चुनिटी देखें और जिस तरह की इनकी आज की कैपेबिलिटी है उसके अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से मन कड़ा करके इस वैल्यूएशन पर भी कैपिटल गुड्स और खास करके जो मल्टीनेशनल एंटिटीज हैं इस स्पेस में उनमें थोड़ा सा पोजीशन बनाया जा सकता है। चलिए अब एक बेहद जरूरी बात हम आपको बता दें कि हमारे नाम से सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायतें मिल रही हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विस के नाम पर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप इन झांसेबाजों के जाल में ना फंसे। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये चल रहा है कि मैं कुछ स्टॉक्स चुनूंगा अप्रैल में और पहले 1000 मेंबर्स के लिए फ्री है और आप आइए और जुड़िए इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। हम में से कोई भी कभी इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना कभी ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा। सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनुज सिंगल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। अनुज सिंगल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है। लेकिन हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान। हम सोशल मीडिया में किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देते हैं। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। हम फ्रॉड करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी हो जाएं सावधान। अनुज सिंगल या सीएनबीसी आवाज के नाम पर फेक आईडी चलाने वाले लोग हमारे रडार पर हैं, उन पर हमारी पूरी नजर। उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनकी शिकायत पुलिस और सेबी में भी की जाएगी। ये आपको एक वार्निंग है, पुलिस कंप्लेंट, साइबर पुलिस कंप्लेंट ये भी होगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब खबर सोने के बढ़ते दाम से जुड़ी हुई। सोने के बढ़ते दाम से कस्टमर्स परेशान हैं, लेकिन शादी का सीजन भी सामने है और गोल्ड खरीदना मुश्किल हो रहा है। देखिए अहमदाबाद से संवाददाता केतन जोशी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ज्वेलरी शोरूम में इन दिनों इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और ये नजारा सिर्फ अहमदाबाद के ज्वेलरी शोरूम में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। पिछले दो महीने में सोने के दाम में भारी उछाल आया है, ऐसे में ग्राहक के लिए सोने की खरीदारी मुश्किल हो गई है। मैं यहाँ गोल्ड देखने आई थी, लेकिन गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये डायमंड डिज़ाइन देख रही थी। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है और काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो अभी गोल्ड को होल्ड पे रखते हैं और ये डायमंड खरीदना सोच रहे हैं। ज्वेलरी का प्राइस ही इतना ज़्यादा है तो फिर 50% हम लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। अभी बाद में जैसे गोल्ड का भाव कम होगा तो फिर देखेंगे। अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में सोने में 30-50% खरीदारी कम हो गई है और अभी कुछ समय तक दाम बढ़े हुए रहेंगे। इसके चलते ग्राहक अभी डायमंड की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। ये इस गोल्ड प्राइस के इंक्रीज में मैं देखता हूँ हमारी 50% की सेल एक डाउन हो गई है, बट सिल्वर लाइनिंग ये है केतन जी कि एक नई कैटेगरी राइज हो रही है विच इज डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। हमें जितना डिक्लाइन गोल्ड ज्वेलरी में देखने मिला है उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में देखने मिला है। जहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं डायमंड के प्राइसेस कम हो गए हैं। ज्यादातर ग्राहक इस स्थिति में सोने को खरीदने के लिए परहेज कर रहे हैं, लेकिन जब जब ऐसी स्थिति आई है तब दाम कम होने के बजाय बाद में बढ़ ही जाते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। विस्तारा की फिलहाल खबरें। सरकार ई इनवॉइसिंग के नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ई इनवॉइसिंग नहीं करने वाले जीएसटी कारोबारियों को नोटिस भेजा जा सकता है। अभी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए इनवॉइस यानी इलेक्ट्रॉनिक चलान जनरेट करना अनिवार्य है। तो इस खबर पर डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, ये बताएं सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, ये जो ई इनवॉइसिंग है इसको लेकर सरकार काफी सख्ती करने के मूड में है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है
कि अब जो जीएसटी कारोबारी ई इनवॉइसिंग का नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर सरकार नोटिस भेज सकती है, जीएसटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजेगा और उन पर कार्रवाई भी कर सकता है। दरअसल पिछले साल 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो टर्नओवर वाले कारोबारी हैं उनके लिए ई इनवॉइसिंग को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन जो जीएसटी विभाग के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो नियम का वायलेशन हो रहा है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी कर रहे हैं। और इसमें खासतौर से देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जैसे राज्य हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका वायलेशन हो रहा है। तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसका साफ तौर पर ये मूड है कि आने वाले दिनों में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए और न सिर्फ B2B सेगमेंट में पर आने वाले दिनों में B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर सेक्टर में कस्टमर सेगमेंट में भी इसको पूरे 100% लागू किया जाए और साथ ही साथ इसको ईवे बिल से जोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि ई इनवॉइसिंग का जो नियम है उसको आने वाले दिनों में सख्ती से लागू किया जाए और जो नहीं मानेगा जीएसटी कारोबारी उसको नोटिस जारी किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं टाटा समूह की एयरलाइंस विस्तारा की उड़ानें रद्द होने पर सिविल एविएशन मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। साथ ही DGCA ने विस्तारा से रिपोर्ट भी मांगी है और पूछा है कि फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एयरलाइंस ने क्या प्लान बनाया है। डिटेल्स के साथ है रोहन सिंह। तो रोहन, ये बताएं कि विस्तारा की इस संकट को लेकर अब क्या एक्शन लिया जा रहा है। जी दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पायलट्स की जो सैलरी है उसको लेकर है। अब एयर इंडिया से जो विस्तारा का मर्जर है उसकी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पायलट्स को काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो विस्तारा के हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उन्हें 70 फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से फिक्स्ड जो है सैलरी मिलती है, लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें उन्हें 40 फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से ही मिलेगी। इसके बियॉन्ड उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एयरलाइंस क्या करती है कि जो आपका फिक्स फ्लाइंग आवर्स है उस तक ही सीमित रखती है, उससे ज्यादा आपको ड्यूटी नहीं देती है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा रोष रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि विस्तारा के कई सारे जो पायलट्स हैं उन्होंने सिक रिपोर्ट किया है फ्लाइट से पहले और इतनी ज्यादा गंभीर बात हो गई कि पिछले पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। कल ही अगर देखें 50 फ्लाइट तो कल ही जो है या तो देरी से चली या कैंसिल हुई और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहने की उम्मीद है। अभी विस्तारा ने स्टेटमेंट किया है कि उन्हें जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड फ्लाइट है उसे कम करना पड़ रहा है। कुछ रूट्स पे वो ड्रीम लाइनर्स लगा रही हैं ताकि जो यात्री हैं उनको बहुत दिक्कत ना हो, लेकिन ये समस्या बरकरार रहने वाली है। DGCA ने इसका संज्ञान लिया है। DGCA ने कहा है कि तीन चीजें कही हैं। पहली चीज तो कि हर दिन आप रिपोर्ट दीजिए कि आप कितनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी चीज कि एडवांस में जो यात्री हैं उनको जानकारी दी जाए, ऐसा ना हो कि यात्री एयरपोर्ट पहुंच जाए तब उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरी चीज की जो सिविल एविएशन रूल्स हैं चाहे वो कैंसिलेशन को लेकर हो या रिफंड को लेकर हो, इनका पालन किया जाए। तो DGCA तो इसको लेकर काफी सख्त है। आज सुबह ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने इसका संज्ञान लिया, कहा कि एयरलाइंस क्या कर रही है उनके बिजनेस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन यात्रियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि ये मामला पायलट्स को लेकर है, क्रू को लेकर है, तो ये जब तक विस्तारा की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से जब तक कोई एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बरकरार रहेगी। शुक्रिया रोहन इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं ब्रॉडबैंड स्पीड एंड मेजरमेंट फर्म उकला ने भारत में 5G परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। देश में 5G रोल आउट बेहद तेजी से हुआ है। करीब 17.5 करोड़ लोग 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G स्पीड में भारत 14वें नंबर पर आ गया है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या है इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स। अक्टूबर 2022 में टेलीकॉम कंपनी ने 5G सेवाओं के रोल आउट की शुरुआत की थी। टेलीकॉम कंपनियां बहुत तेजी से 5G ग्राहक जोड़ रही हैं। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने 17.5 करोड़ 5G ग्राहक बना लिए हैं। सबसे पहला नंबर आता है रिलायंस जियो का, जिसने अब तक 10 करोड़ 5G ग्राहक बनाए हैं, जबकि एयरटेल ने 7.5 करोड़ 5G ग्राहक बनाए हैं। ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ने अब तक 5G सेवाओं की शुरुआत नहीं की है। उकला की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो रिलायंस जियो की 5G की उपलब्धता है वो भारतीय एयरटेल के मुकाबले दोगुनी है। रिलायंस जियो की 5G की उपलब्धता 68% है, जबकि एयरटेल की 5G की उपलब्धता मात्र 30% है। इतना ही नहीं, जो डाउनलोडिंग स्पीड है 5G में वो 4G के मुकाबले 14 गुना है। एवरेज डाउनलोड स्पीड 5G की 301 Mbps पर सेकंड है। और भारत की अगर मैं स्पीड की रैंकिंग की बात करूं तो भारत दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। तो टेलीकॉम कंपनियां बहुत तेजी से ग्राहक बना रही हैं और बहुत तेजी से अपनी 5G स्पीड को बढ़ा रही हैं। तो जल्दी ही भारत इसमें अपनी रैंकिंग को भी सुधार लेगा और दुनिया में दूसरा या तीसरा स्थान ले लेगा।
शुक्रिया सीम इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स हमें बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इनकम टैक्स बचाने के लिए घर किराए का फर्जी क्लेम करना भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने एचआरए फ्रॉड के हजारों मामले पकड़े हैं और इन सभी मामलों में विभाग ने टैक्स नोटिस जारी कर टैक्स पेयर से सफाई भी मांगी है। देखिए पूरी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 से 10 हजार ऐसे मामले पकड़े हैं जिनमें 10 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जी एचआरए क्लेम किया गया है। इनमें से कुछ मामलों में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का क्लेम किया गया है। इनकम टैक्स छूट हासिल करने के लिए लोग किराए की फर्जी रसीद और मकान मालिक का गलत पैन नंबर दे देते हैं। विभाग ने पैन डिटेल्स के जरिए मकान मालिक से पूछताछ कर फर्जीवाड़ा पकड़ा है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि विभाग गलत तरीके से डिडक्शन या छूट की कड़ी निगरानी कर रहा है। अब प्रोसेसिंग हो गई है AI है मशीन लर्निंग के थ्रू। मशीन लर्निंग और AI ने सारी चीज़ों को सर्वर पे आपस में कनेक्ट कर दिया। आप किसी का पैन दे रहे हो कि मैं उसको रेंट पे कर रहा हूँ, बट वो आदमी अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त रेंटल इनकम शो नहीं कर रहा, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी रिक्वायर्ड है कि वो भी टेनेंट का पैन दे, वो शो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे वो पकड़ में आ गया कि ये जो आपने डिडक्शंस क्लेम करी हैं ये फेक क्लेम करी हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13)(a) के तहत कंपनी की तरफ से कर्मचारी को मिलने वाले एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है। छूट लेने के लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी किराए के मकान में रहता हो और मकान मालिक को हर महीने चेक या ऑनलाइन माध्यम से किराया पेमेंट करता हो। 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना किराया चुकाने पर एचआरए क्लेम करते वक्त मकान मालिक का पैन डिटेल्स देना जरूरी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में ये चेक करता है कि मकान मालिक ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ये जानकारी दी है या नहीं। अगर नहीं दी है तो ये गड़बड़ी साफ तौर पे पता चल जाती है। लिहाजा समझदारी इसी बात में है कि टैक्स पेयर आइंदा से गलत एचआरए क्लेम करने से बचें। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। वहीं भारत और चीन में अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदला है और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों को जारी रखे हुए है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था और भविष्य में भी रहेगा। अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नया नाम बदलने से कुछ नहीं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। जिंदगी में हंसी मजाक की अहमियत हम सब जानते हैं, लेकिन रिश्तों को मजबूत रखने में भी ह्यूमर का बड़ा रोल है। इसी पर होगी आज चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।